जय हिंद साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डेट साथियों, बात करने वाला है यूपी जेल कांस्टेबल भर्ती 2020 के बारे में। साथियों, आप लोग पता है कि यूपी जेल कांस्टेबल भर्ती 2020 का आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आपने आंसर की नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, वहाँ से जाकर अपना आंसर की चेक कर लेना है। तो साथियों, यहाँ पर आप आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो जो आपके टोटल काट पीट के क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्या आपके 70, 75, 80 और 85 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे साथियों, क्या आपका सेव स्कोर रहने वाला है, क्या आप सेलेक्टेड हो या नहीं, तो साथियों सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो साथियों प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना जेल कांस्टेबल की पल पल अपडेट पाने के लिए। साथियों, जैसे आप लोग पता है कि आंसर की आज जारी कर दी गई, आंसर के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक वेबसाइट का है, वहाँ जाकर अपना आंसर की देख सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन गलत भी है तो वहाँ पे क्वेरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अपना आंसर अगर आप क्वेरी डालना नहीं चाहते, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको वीडियो बना के बता दूँ कैसे आपको क्वेरी डालना है, ठीक है। तो जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद साथियों अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करके इस कैप्चा को फिल करके लॉग इन कर देना है। वहाँ पे आपकी CBD जो आपकी आंसर शीट होगी वो वहाँ दिखा देगा, उसको डाउनलोड करके चेक कर लेना है। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ के बारे में। तो साथियों, अगर आपने लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद साथियों आपके 80 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है, सही बन रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन गलत करने का मतलब साथियों ये है कि आपके काफ़ी नंबर कट जाएंगे, ठीक है। काफ़ी नंबर कटने के बाद साथियों आपको जो साथियों बॉर्डर पर रहना होगा, क्योंकि साथियों नॉर्मलाइजेशन, अगर आपकी शिफ्ट जो भी थी, हार्ड थी या तो सिंपल थी, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, तो साथियों यहाँ पे अगर आपके ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं सभी काट पीट के, तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन अगर 20 नंबर मिलता है या 15 नंबर मिलता है तो साथियों आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन जो है साथियों 80 नंबर बन रहे हैं 100 क्वेश्चन करने के बाद साथियों काट पीट के, ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो यहाँ पे साथियों नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आपको लगभग अगर 15 नंबर के साथियों यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, तो आपको लोग पता है कि यहाँ पे गुणा करेंगे 200 8 2 16 160, तो 160 में साथियों जब 160 में 15 नंबर ऐड करेंगे कितना बनेंगे, 5 6 7 175, OBC की जैसे साथियों मेरिट जाएगी वो लगभग आप लोग बता देंगे 70+ जाएगी, ठीक है, 70+ OBC की मेरिट जाएगी। तो साथियों अगर आपका 80 नंबर है काट पीट के, तो आप साथियों दौड़ लगाना चालू कर दिए, आप सेलेक्टेड हो, ठीक है। काटने पीटने के बाद जो भी जितना भी क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है, अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत है तब, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपका माइनस भी होगा, अगर साथियों इधर से माइनस भी होगा तो उधर जो आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर ऐड भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों 80 जो 70 नंबर जिनके सही हैं साथियों, 70 क्वेश्चन सही है उनका, तो यहाँ पे सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। अगर उनको 20 या 25 नंबर मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, तब साथियों उनका यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर साथियों आपके 80 या 85 या 75 नंबर बनते तो आपका साथियों यहाँ पे सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि साथियों आपको 15 से 20 या तो 20 से 25 नंबर आपको उसमें मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ पे जो नंबर साथियों आपके कटेंगे, जो गलत नंबर के आपके कटेंगे निगेटिव मार्क, क्योंकि तो उधर नॉर्मलाइजेशन पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों 75 से 80 85 वालों को सिलेक्शन होने वाला, और साथियों 70 नंबर जिनके 70 क्वेश्चन सही आ रहे हैं काट पीट के 100 में से, तो उनका साथियों यहाँ पर निश्चित नहीं है, ठीक है। तो अगर आप साथियों आंसर की देख लिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, सभी का मैं स्क्रीन शॉट लेकर बता दूंगा कि आपका इतना बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ साथियों वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जेल कांस्टेबल की पल पल अपडेट पाने के लिए। जय हिंद।